शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंदर है, नहीं शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसका फोन आ गया। अरे अभी इनको क्या जवाब दूं? हाँ मैम बोलिए ना। दिनेश तुम साहब कहाँ हैं तुम्हारे? वो मैम एक्चुअली साहब का फोन मेरे पास ही रह गया है। आज तो वो मेरे साथ डिनर पर जाने वाले थे, तुम्हें बताया नहीं उन्होंने? नहीं मैम एक्चुअली क्या हो गया ना कि दिल्ली से एक अचानक अर्जेंट पार्टी आ गई थी तो साहब उन्हीं के साथ मीटिंग में बिजी है, तो वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपका कॉल आया था। ओके क्या नाटक लगा रखा है? मन तो करता है तुम्हारा खून कर दो। आज आपका डिनर का बोलकर कहाँ गायब हो गए थे? अरे भाई जरूरी मीटिंग थी, अब मीटिंग छोड़ के तुम्हारा आ सकता हूँ? जाना पड़ा। तुम्हारी मीटिंग कभी नहीं खत्म होने वाली। सोच रही थी कि आज तुम मुझे किसी कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाओगे, लेकिन तुम तो क्या तुम तो सुनना, आदि के स्कूल से फोन आया था, हमें शायद अगले हफ्ते उससे मिलने जाना होगा। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ पे प्यार के मूड में हूँ और तू ना जाने इधर उधर की बातें लेके बैठ गई है। क्योंकि अब मेरा मूड नहीं। अच्छा, अरे भाई हमें कौन सा तुम्हारा मूड बनाने में टाइम लगेगा? कैंडल लाइट डिनर पर चले। सर आदमी पैसा क्यों कमाता है? शौक पूरा करना, तो शौक पूरा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। मेम साहब किसी वक्त मिलेंगे ना? अंदर जाओ, मेम साहब अंदर ही होंगे। ठीक है, तुम्हें कहना कि दिनेश ने बोला। ओके मेरा दिमाग खराब कर रही थी कि मेड़ चाहिए। ये मेरे घर के बाजू में ही रहते हैं और इसे काम की जरूरत भी है, मैं लेकर आ गया इसको। आजाद को मुझे यही चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये घर गृहस्थी वाली है, इसे मरवाएंगे आप मुझे। कभी तो अच्छा नाम है सर। अरे रहने दे सब, देख पैसे की भूख है ना सबको होती है, इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए आई है, समझा तू? सर देखिए प्लीज़, आप
समझ नहीं रहे। अरे सब समझ रहा हूँ। कहा ना, आज रात को बिस्तर पे मुझे यही चाहिए, वरना तेरी जॉब गई। ये क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन मैं कुछ और इंतजाम आपको करके देता हूँ। ठीक है, कहा ना पूछे, मुझे यही चाहिए, समझा तू? बाला, आओ, ये मेम साहब के हस्बैंड है। नमस्ते साहब। मेम साहब ने मुझे नौकरी पर रख लिया है, कल से ही बुलाया है। मेम साहब बहुत अच्छी है। ठीक है, आओ फिर। ठीक सर। आशीर्वाद होगा, आज रात को ये लड़की मुझे चाहिए। देखता हूँ सर कुछ। अच्छा अच्छा, लग जा काम पे। माला, माला कहाँ हो तुम? सब आप। नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों? बैठे ना साहब, हमारे घर आप आए। मैं एक मिनट चाय बना के लाती हूँ आप लोगों के लिए। हम और साहब यहाँ चाय पीने नहीं आए, हम तुम्हारी मदद करने आए। मदद तो मेरी हो गई है, मेम साहब ने तो नौकरी पर रख लिया, कल से बुलाया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। वो भी अपने जॉब के लिए कितना यहाँ वहाँ ठोकरे खाता घूम रहा है। उनको अभी नौकरी नहीं मिला है, ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बस इसीलिए साहब यहाँ आए हैं कि कल से साहब की कंपनी में अपने हस्बैंड को भेज देना जॉब के लिए। ठीक। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग खड़े क्यों? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। दिनेश, मैं आगे का काम समझा दूँ? हाँ सब समझा देता हूँ। सब मैंने पानी तो पी के जाता साहब। माला सुनो, देखो ऐसे मुझे बार बार नहीं आते, और तुम्हारे बेरोजगार पति को अच्छा पगार मिल जाएगा और तुम्हें भी मिल जाएगा ना, ये कुछ घाटे का सौदा तो है नहीं। छोटा सा काम करना पड़ेगा, जिस मैंने तुम्हें समझा दिया है। मैं तो तुम ये नौकरी भी भूल जाओ। हाथ से गई। अरे सर, आप विशाल सेठ हैं ना? आप यहाँ हमारे घर? अरे भाई, हम तो आपको जॉब ऑफर करने के लिए आए थे। आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगे ना? वैसे हमने आपकी बीवी को अपने घर पे काम पे रख लिया है। हाँ, माला ने मुझे तुरंत ही फोन करके बता दिया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा मैं, और कल से काम पे आ जाऊंगा मैं। जी ठीक है, आप आ जाइए। जी जी, चले सर। हाँ, मेरा गाड़ी चले। अरे माला, इतने अच्छे ना विशाल से। हाँ, हम दोनों को एक साथ काम पर रख दिया, अब हमारे बुरे दिन गए माला। नमस्ते सर। एक कप चाय लाओ ना मेरे लिए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। माला सुनो, जरा हमारे बेडरूम की भी सफाई करते हैं। जी सर। ठीक है, तुम चाय क्यों लेके आ रही हो? माला कहाँ है? चाय ना, उसकी छोटी बहन आई है तो उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है। अरे वाह, अभी दो दिन नहीं हुए काम पर लगे, अभी से छुट्टियां लेना चाहते हो? अरे कोई बात नहीं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ बाबा,
मुझे ऐसा लग रहा है अब सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। ओह दैट्स सो स्वीट। अच्छा मैं जाके लंच की तैयारी करती हूं। ठीक। दिनेश जल्दी से घर आ जा, माला के घर चलना है, इस औरत के नखरे कुछ ज्यादा पड़ रहे हैं। जी सर मैं अभी आता हूँ। माला, माला जी कहिए। माला कहाँ है? जी आप कौन? माला को बुलाओ। जी वो अंदर है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। अब दी, दी कोई आया है आपसे मिलने? दी जरा जल्दी बाहर आइए ना प्लीज। अरे साहब आप क्या नोटिस लगा रहे हैं? दी आप लोग बात कर रहे हैं किचन का काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या बात हुई थी हमारी? सुनो मुझसे अब ये मुमकिन नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ। अब समझना मुझे नहीं है, समझना तुम्हें और अपनी बहन को भी समझाना है कि वो भी तुम्हारे साथ साथ राजी हो जाए। क्या कह रहे हैं आप भाई? इन्होंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। साहब मैं तो राजी हूँ ना, अब इस सब में मेरी बहन को क्यों घसीट रहे? मैं क्या हाथ जोड़ते, मेरी बहन को मत घसीटिए साहब, मेरी बहन को मत घसीटिए। क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है जब कोई लड़की मुझे भा जाती है ना, और जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है उसके बाद वो मुझसे नहीं कर सकते। नहीं मैं ये सब होने नहीं दूंगी। अच्छा नहीं, रमन कहाँ है? वो अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री अपने लोगों को बोलो उसको काम तमाम कर दे। यार क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ मैं? मैं पैक को पैक करती हूँ, ऐसा मत कीजिए सर। टीबी मैंने सब कुछ सुन लिया और इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रेडी। ओह हाय, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। देखो अपनी बहन से कुछ सीखो, बहुत जरूरत है तुम्हें सीखने की। खैर छोड़ो, तुम दोनों को अपने फार्म हाउस पर ले जाएं और आराम से सिखा दूंगा सब कुछ। दिनेश ऐसा करो इन दोनों को अपने फार्म हाउस पे ले चलो। हेलो विशाल। हाँ बोलो। मुझे आदित्य की मैम का फोन आया था, उन्होंने कल हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। अंजलि अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। विशाल कभी तो फैमिली के लिए टाइम निकाल लिया करो, तुम्हें काम की इतनी क्या पड़ी है? देखो तू ऐसे परेशान हो रही हो। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं दिनेश को भेज देता हूँ, तुम उसके साथ चलिए। विशाल तुम मेरे पति हो या दिनेश, तुम घर के काम के लिए भी दिनेश को बोल देते हो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है दैट्स इट। अंजलि मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ साहब? अरे यार मैं अंजलि को लेकर शॉपिंग पे चलूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर इन दोनों
आप यहाँ? अरे माला कई दिन से काम पर नहीं आई थी, तो पता चला उसकी तबीयत खराब है तो उसका हाल चाल लेने चला है। हाँ वो उसकी बहन आई हुई ना, तो इसी थोड़ा उसके साथ दी थी। पता चला, चलो ठीक है मिलते हैं। जी सर। विशाल कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना, लेट हो जाएंगे। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे बेटे से मिलने के लिए। अरे मैडम तुमसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, मैंने अपना पूरा सामान पैक करके पहले से गाड़ी में रख दिया है, समझी तुम? चलो बैठो गाड़ी में। अरे किसका मैसेज आ गया? दरवाजा तो खोलो। हाँ। एक मिनट अंजलि। अंजलि क्या हुआ विशाल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे? नहीं कुछ नहीं। अंजलि मैं ना आदि से मिलने नहीं जा पा रहा। देखो मेरी बात समझो, मेरी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। मेरा जो क्लाइंट है ना फॉरेन से आया है मिलने के लिए। और देखो तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ मिलने के लिए, प्लीज मेरी बात समझो। ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम, कितने दिन हो गए हम मिले नहीं आदि से, अब तुम अभी मना कर रहे हो। एक्चुअली मैं सब समझता हूँ, लेकिन जितना आदि से मिलना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा मुझे इस क्लाइंट से मिलना इम्पोर्टेंट है। और वैसे तुम तो जा रही हो ना मिलने के लिए, और तुम मिलो या मैं मिलू एक ही बात है ना, प्लीज। ठीक हाँ मैं दिनेश को बोलूंगा, वो तुम्हें छोड़ आए। ठीक है मैं जाती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्लैकमेलर है मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है या इन दोनों से। सर उसने वीडियो तो सिर्फ आप ही को भेजा है ना? हाँ, और उसने जो वीडियो भेजा उसमें सिर्फ आप नहीं हम दोनों भी तो हैं। और अगर ये वीडियो उन्होंने देख लिया ना तो वो हम दोनों को जिंदा जला देंगे। और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो? बात बंद करो दोनों, तुम्हारी इज्जत इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी इज्जत इम्पोर्टेंट है, समझो? मैं चले जाऊँगा तो आज जिंदा बचूंगा। मुझे क्या लगता है कि हमें ना इसकी पुलिस कंप्लेंट कर लेनी चाहिए, वरना तो ये समझ रहे हैं आपको। हाँ साहब ये सही कह रहा है, हमें ना पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम दोनों जाके पुलिस कंप्लेंट। मुझे अपनी इज्जत पे खींचा नहीं उछलवाना है, बैठी रहो चुपचाप, कहीं किसी से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बात खराब हो गया ये ब्लैकमेलर ने लोकेशन भेजी है, पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। चल निकलते हैं। चल 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 जल्दी चल। बैग भी छोड़कर निकल जाओ, मेरा आदमी आ रहा है। हेलो। अरे मैं देखिए पैसे मैं आपके हाथ में दूंगा, मैं जानना चाहता हूँ मैं किसे पैसे दे रहा हूँ, आप हो कौन? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता है, तुम्हारा क्या होगा ये वीडियो वायरल होने के बाद उसकी फिक्र करो तुम। लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए और आपने उसके बाद भी वीडियो वायरल कर दिया तो मतलब मैं कैसे यकीन करूँ? यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरा वादा है ऐसा नहीं होगा। चलो अब जल्दी से बैग रखो और निकलो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है चल पैसे निकल चलते हैं। चल, चल, चल। अरे चलो जल्दी चलो चलते हैं चलो।
हुआ विशाल? तुम ठीक हो ना? जब से आई हूँ देख रही हूँ कितने मायूस हो। आदि से मिलकर आई हूँ, एक बार पूछा भी नहीं कि वो ठीक है या नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है शायद इसीलिए। अच्छा ये बताओ आदि कैसा? वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको बहुत याद कर रहा था। आदि की याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, पर क्या करें? I'm sorry. अच्छा चलो हम दोनों खाना खाने बाहर चलते हैं। बहुत थकी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कभी और चलते हैं। ठीक रह गए ये लोग, ना समय लगा रहे। अरे दिनेश ए, मजा आया बहुत ज्यादा। किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं देखा। पक्का? पक्का। अच्छा तुझे तो मान गया यार, कमाल की प्लानिंग की तूने। लगता है ना तुम्हारे पास का नहीं है नौकरी ढूंढना, घर में बैठे रहो तुम निठल्ले की तरह। मुझे ही नौकरी ढूंढना पड़ेगा। सही कह रही है आप दीदी। एक काम कीजिए, कल से ना आप मेरे साथ मेरे बॉस के घर आइए, आप मेड का काम करेंगे वहां। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले मेरा प्लान सुन तो लो, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है तो बस आपको विशाल सेठ के साथ एक रात गुजारनी होगी, फिर उसके बाद 50 लाख हम तीनों के हो जाएंगे। फिर आज की रात जश्न की रात होगी। पहले एक बार लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाए। सारे पैसे, मैंने पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे दिनेश। हाँ यार मैंने भी नहीं, मतलब मेरी 7 पीढ़ियां भी विचार के पास काम करे ना फिर भी इतना नहीं कमा पाएगी। मुझे तो उस विशाल सेठ पे ना हंसी आ रही है, उसको कैसे हम लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाया है। अरे इसको मेड बना के उसके पास लेके जाना। तुम्हें उसके फैक्ट्री में जॉब दिलाना। मेरी जैसा मास्टरमाइंड भी तो लगेगा और विशाल जैसा फंसेगा। अच्छा ये सब बातें तो होती रहेंगी, इससे पहले कि किसी को कुछ पता चल जाए हमें ये पैसे ना बांट लेने चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करते हैं 10 लाख इसमें से निकाल के अलग कर देते हैं और 40 लाख कहीं छिपा देते हैं और 10 लाख में हम सिर्फ 40 सब हैं। ठीक मिलते रहेंगे क्या जो? और वो 40 लाख का क्या, वो कितने हिस्से में बटेंगे? तुम सब लोग मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो, ये मत भूलो कि इस खेल में मैं भी बराबरी की हिस्सेदार हूँ। कैसा शिका, तुमने हमारा साथ जरूर दिया है पर तुम ना कभी हमारी बराबर की हिस्सेदार नहीं थी। हा? अच्छा तो अब तुम सब लोग मेरे साथ ही चालबाजी कर रहे हो। अब मैं तुम सब लोगों को सबक सिखाऊंगी, मैं विशाल सेठ को तुम सबकी असलियत बता दूंगी। तुम लोगों ने मेरा पूरा हिस्सा नहीं दिया। शिखा देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ना एक बार आराम से बैठ कर बात करते हैं ना, ठीक है? बैठ कर बात करते हैं। तुम सब लोगों के पास सिर्फ आज की रात है।
विशाल, इतने सारे पैसे तुमने बैंक अकाउंट से क्यों निकलवाए? मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, उसमें बस इन्वेस्ट किया है, मैं बताने वाला था बस। मैं हाँ, लेकिन मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। अंजी, मैंने कहा ना, मैं बताने ही वाला था, बस कुछ काम में बिजी होगा, नहीं बता पाया। हेलो, मैं शिखा बात कर रही हूँ। विशाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजती हूँ। लेकिन मेरा नंबर तुम्हें मिला कैसे? अभी ये डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें ब्लैक मिरर्स के बारे में कुछ बताना है, तुम जल्दी आ जाओ बस। अंजलि, मुझे निकलना पड़ेगा कुछ काम से। मैं तुमसे बात कर रही थी विशाल। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी विशाल। जरूर कुछ ऐसा है जो विशाल मुझसे छुपा रहा है, कि मैं भी पता लगाती रहूंगी। शिखा, 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 हवलदार गिरफ्तार कर लो इसे, इसी ने शिखा जी की हत्या की है। अरे सर, मैंने नहीं मारा है इसको, इसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। हमें भी उन्होंने ही फोन किया था और ये कहा कि तुम इन्हें मारने आने वाले हो। विशाल सेठ तुम्हारा ही नाम है ना? सर, मैं ही विशाल सेठ हूँ, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा है। हर खूनी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने खून नहीं किया है। हवलदार, ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। जी इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कि मेरे पति हैं और आप लोग इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये खूनी है, इन्होंने सीता जी की हत्या की है, ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। ये दिनेश कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो टिकट करने के लिए गया है, आता ही होगा। अरे तो कितना टाइम लगाएगा टिकट लाने में? रास्ते में होगा, तुम चिंता मत करो, बस आ जाएगा वो। हमें तो बस अपनी पैकिंग करनी है। क्या लेने आए हैं यहाँ पर? अंजलि जी, हमें आप पर भी शक है। वैसे आप शिखा जी के घर के बाहर क्या करने गई थी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं केवल विशाल का पीछा कर रही थी। क्या आपको मालूम था आपके पति और शिखा जी के बीच नाजायज संबंध था? इतना ही नहीं, आपकी मेड माला के साथ थी। और हाँ, माला और शिखा दोनों बहनें थी। उन्हें उनके MMS के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेलर ने उनसे लाखों रुपए की मांग की थी। ये रहा आपके पति का स्टेटमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंस्पेक्टर साहब कि मेरे पति कातिल हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, वो बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, कानून भावनाओं पर नहीं, ठोस सबूतों पर यकीन करता है। और हाँ, आप भी फिलहाल ये शहर छोड़कर कहीं मत जाइए, जरूरत पड़ने पर आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
दिनेश, विशाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। और तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या मतलब, क्यों पकड़ के ले गई? वो सब बाद में बताऊंगी, तुम पहले जाके गाड़ी निकालो, हमें अभी लॉयर के पास जाना है। मैम एक्चुअली मुझे आज की छुट्टी चाहिए थी। तो क्या है ना, अचानक से माँ जी की तबीयत भाव में खराब हो गई है। मेरा भाई स्टेशन पे वेट ही कर रहा है, तो मैं आपको यही बताने के लिए आया था। और शायद से मुझे भी कुछ दिनों के लिए गाँव जाना पड़ सकता है। मैं जाऊँ, मेरा भाई वेट कर रहा होगा। ठीक है, तुम जाओ। विशाल का शिखा और माला से अफेयर था, इस बारे में इसे जरूर पता होगा, लेकिन उसने मुझसे छुपाया। और आज अचानक ही जाने की बात कर रहा है, कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है। फिर तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? मैंने तुम्हें टिकट्स तो भेजे थे ना। फिर तुम्हारी टिकट? मैं अभी नहीं आ सकता। क्यों? विशाल सेठ के अचानक गिरफ्तार होने के बाद अगर मैं भी गायब हो गया तो सारा डाउट मुझ पे आएगा ना। बाला को लेके निकलो, मैं कल निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन रमन, जितना कैश हमारे पास है वो एक साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ, मैं वो देखता हूँ। चलो। चलो रेडी है, 25 लाख बैग में, 25 लाख हमारे बैग में। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम उस अंजलि से बच के रहना। हमने विशाल सेठ को रास्ते से तो हटा दिया है, बाकी काम तुम संभाल लेना। तुम फिक्र मत करो रमन, मैं उसे संभालूंगा। चलो चलो चलो। विशाल को तो तुम सबने फंसा दिया, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? धोखेबाज, बदतमीज, और तू कितना गिर सकती है मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे बोला शिखा के पास पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर साहब, यही तीनों है शिखा के कातिल। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। सच में हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रही है आप? मेरे पास सबूत है। पैसों की लालच में आकर विशाल को ब्लैकमेलिंग करने का प्लान बनाया। मैं अपनी बहन माला को मेड बनाकर उसके यहाँ लेके गया ताकि उसकी नजर उस पर पड़े। जब वो इसकी छेड़खानी करे तो मैं उसका वीडियो निकाल के उसको ब्लैकमेल कर सकूं। लेकिन शिखा को तुम तीनों ने क्यों मारा? वो हमें धमकी दे रही थी।
आपकी विशाल सेठ से सब कुछ बता देगी। उसको तो 50-60 से अपना हिस्सा चाहिए था और हम लोग सिर्फ 10 लाख से उसको हिस्सा देना चाह रहे थे। और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना पड़ा। मर्द के पास बेचने में नहीं, मुझे बस 50 लाख रुपए चाहिए थे। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। मैं अपनी टीम से बोलकर विशाल जी को रिहा करवाता हूँ। चलो इन्हें चल। ए, चल। हाँ चल। Thank you.